गरीब लोगों को लक्ष्य बनाकर साइबर ठगी करने वाले 1 लाख रुपए सहित 3 अंतर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में साइबर अपराध की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में साइबर सेल व थाना नेबुआ नौरंगिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 1 लाख रुपया, 10 ATM कार्ड, 45 फर्जी सिम कार्ड, 24 आधार कार्ड सहित 3 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने बताया कि गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर अलग अलग बैंकों में खाता खोलकर फर्जी सिम से खाते को लिंक करवाकर साइबर हैकरों को 800 में बेच देते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत साइबर सेल और थाना नेबुआ नौरंगी ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से 1 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं, 45 सिम बरामद हुए हैं, 10 ATM कार्ड और 24 आधार कार्ड बरामद हुए हैं और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी व्यक्ति अलग अलग खातों के माध्यम से साइबर फ्रॉड करते थे और जो खाते थे उसमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम से ये अमाउंट पहुंचाया करते थे। ऐसे 2000 से अधिक खातों की पहचान की जा चुकी है जिसमें लगभग 10 करोड़ से अधिक का अमाउंट का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। इसमें आगे विधिवत जांच चल रही है। साइबर सर्विस में अलग अलग लोगों की और अलग अलग राज्यों के जो लोग शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है और किन किन खातों के माध्यम से किन किन व्यक्तियों को ट्रांजेक्शन हुआ है इसका भी चिन्हांकन किया गया है और इसमें आगे की प्रगति जैसे भी होगी विधिक कार्रवाई वो आगे सूचित किया जाएगा।